नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं तनुप्रिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी ने इस कानून को न लाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखी हुई है। लेकिन अब गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और उबर जैसी कंपनियों के भी इंडियन टेकीज ने खुला पत्र लिखा है। कानून के खिलाफ लिखा गया है खुला पत्र, न लाने के लिए भी कहा जा रहा है। बता दूं कि गूगल, उबर, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय और भारतीय मूल के पेशेवरों ने खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि नागरिकता कानून और NRC फांसीवादी है। इन लोगों ने सुंदर पिचई, मुकेश अंबानी और सत्या नडेला को खत लिखकर अनुरोध किया है कि वे भारत सरकार के इस फांसीवादी कदम को सार्वजनिक तौर पर इसे नकारें। इस खत को टेकन अगेंस्ट फासिज्म में नाम दिया गया है। पेशेवरों ने सुंदर पिचई, सत्या नडेला और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फांसीवादी कदम के खिलाफ रुख अपनाने और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करने का आग्रह किया है। ऑनलाइन प्रकाशन प्लेटफॉर्म मीडिया पर फांसीवाद के खिलाफ प्रौद्योगिकी विद शीर्ष के डाले गए पत्र में नेताओं से सरकार के निर्देश पर इंटरनेट बंद करने से इनकार करने और यह सुनिश्चित करने को अनुरोध किया गया कि सामग्री को संतुलित करने का काम ऐसा न हो कि उसमें सरकार की ओर झुकाव हो। पेशेवरों ने यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब देश भर में हजारों की संख्या में भारतीय संशोधित नागरिकता कानून साथ ही साथ NRC की योजना का विरोध किया जा रहा है। कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ के उग्र होने पर पुलिस ने कार्रवाई में 20 लोगों की जान चली गई, साथ ही साथ कई लोग घायल भी हुए हैं। पत्र में ये भी लिखा गया है कि हम प्रौद्योगिकी उद्योग से जुड़े इंजीनियर, शोधकर्ता और डिजाइनर फांसीवादी भारत सरकार और प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर हो रही बर्बर कार्रवाई की पुरजोर निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य प्रायोजित बर्बर कार्रवाई तत्काल रोकी जानी चाहिए। वहीं बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों और संगठनों के एक समूह से संशोधित नागरिकता कानून को मानवीय बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान साथ ही साथ अफगानिस्तान के लाखों गैर मुसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य को आंशिक रूप से पूरा किया है और इनमें बांग्लादेश माइनॉरिटी कॉलेज में और दूसरे संगठन शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि अब तमाम कंपनियों के भी इंडियन टेकीज हैं जो नागरिकता संशोधित कानून को लेकर ओपन लेटर लिखा है और साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि कानून को वापस लिया जाए। बता दूं कि नागरिकता संशोधित कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश साथ ही साथ अफगानिस्तान से जो गैर मुसलमान संगठन के लोग होंगे उन्हें ही नागरिकता मिल सकती है, लेकिन मुसलमानों को इसमें नागरिकता नहीं मिल सकती है जो कि दूसरे मुल्क से आएंगे, न ही कि भारत के। भारत के तमाम लोगों की नागरिकता कहीं से भी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस कानून का विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है। साथ ही साथ अब इसमें कई मशहूर बड़ी कंपनी भी शामिल हो गई हैं।